हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको X6 फ़ोन है तो पोको X6 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, जैसे हमारे फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र है और किसी भी ब्राउज़र की ऐड आपके फ़ोन में बार बार शो हो रही है, तो उस ब्राउज़र की ऐड को आप कैसे ऑफ़ कर सकते हैं और ऐड्स वगैरह को कैसे बंद कर सकते हैं पोको फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि जैसे आपके फ़ोन में कोई भी क्रोम ब्राउज़र है तो क्रोम ब्राउज़र की ऐड्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है, या फिर आपके फ़ोन में कोई अदर्स ऐप्स की मतलब एड्स भी आ रही है आपके फ़ोन में, तो उसको आप कैसे बंद कर सकते हैं बताने वाले हैं। जैसे यूसी ब्राउज़र है तो इसकी जो ऐड आपके फ़ोन में शो हो रही है तो उसको आप कैसे बंद करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जाना होगा सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही सेटिंग्स आपको कुछ इस तरीके से ओपन कर लेनी होगी। ओपन करते फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं ऐप सेटिंग्स का। तो ऐप सेटिंग्स पे जाना होगा, ऐप सेटिंग्स पे जाते ही सेटिंग्स आ जाएगी जहाँ से मैनेज ऐप्स पे जाना है। मैनेज ऐप्स पे जाकर जैसे आपका यूसी ब्राउज़र ऐप्स है जिसकी एड्स आपके फ़ोन में शो हो रही है तो उसको बंद कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस पर जाना है यूसी ब्राउज़र, तो इस पर चले जाना है और यहाँ से उस डाटा को क्लियर कर देना है जिससे आपके फ़ोन की जो भी एड्स वगैरह स्क्रीन पे शो हो रही है स्क्रीन पे शो नहीं होगी क्योंकि हमने डाटा क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से डाटा क्लियर करके भी ऐप्स की ऐड को रोक सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो यहाँ से पर स्पेशल एक्सेस पे जाकर डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स के जरिए भी स्क्रीन एड्स को बंद कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं इसके जरिए। जैसे कोई भी ऐप्स की एड्स आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जैसे फेसबुक ऐप्स की एड स्क्रीन पे शो हो रही है तो इसको ऑन कर देना है जिससे एड्स वगैरह स्क्रीन पे शो नहीं होगी। तो इस तरीके से भी एड्स को बंद कर सकते हैं फ़ोन में और एड्स को भी ऑफ़ कर सकते हैं। तो आपको और इस तरीके से स्क्रीन एड्स को बंद कर पाएंगे और ऑफ़ करते हैं तो इसकी एड्स आपकी स्क्रीन पर शो नहीं होगी फिर भी। तो इस तरीके से स्क्रीन एड्स वगैरह को ऑफ़ कर सकते हैं वीवो पोको X6 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।